अरे मरवर तो नहीं गया, दरवाजा खोलो भाई। हाँ नवाब सिराजुद्दौला का महल यही है? नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं, मुझे लगा शायद आप महल के दूसरे कोने में होंगे तो यहाँ आने में आपको वक्त लग गया होगा। अरे नहीं भाई, वो बीबी बाजार गई है, बच्चा स्कूल गया है और मैं गया था अंदर। नौकर साले बहुत मुंह लग जाते हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? अबे दुरट, मुंह से भपका आ रहा है, लगता है पेट में दारू की भट्टी लगी हुई है। पुलिस स्टेशन के करीब जाएगा तो हथकड़ी लग जाएगी तुझको। अरे किससे बात कर रहा है, जानता है मैं कौन हूँ? अबे तेरी शक्ल तेरे ज्योग्राफी से मालूम है कि तू कौन है? आई? मुझे तेरे बाप ने भेजा है। बाप ने? मतलब तेरे साहब ने भेजा है। हाँ मेरे साहब ने, फिर पहले ऐसे बोलना चाहिए ना। मेरे दो दो साहब है, एक वाघमारे साहब है, एक त्यागी साहब है, उसमें से किसने भेजा है? आओ आओ आओ, चल चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे तुम आओ। बेवकूफ, मुझे तेरे उस बॉल ने भेजा है जो तुझे खाना देता है, ये पहनने को देता है, और ये क्या है, ये लंगे लंगे ये देता है। हाँ अबे मुझे इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है। तुम्हें इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है? हाँ तो? नहीं नहीं, तुम जानते हो हरदेव सिंह को? अच्छी तरह जानता हूँ। आज सुबह मेरे आर्केड में आए थे, सामान पसंद किया, भाभी के लिए हीरों का हार लिया, उनके पास कैश नहीं था, 50,000 कैश लिए, पूरे मिला के 2.5 लाख हो गए। कहा जाके नौकर से ले लो और ये कार्ड दे देना, चलो 2.5 लाख निकालो। 2.5 लाख? तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम इस्माइल भाई मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट मेरा तखल्लुस है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा नाम है मुस्कुराहट जी। जरा आपको हार्ट अटैक की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कुछ है? बेवकूफ, अगर ये बीमारियां रईसों को नहीं होंगी तो फिर डॉक्टरों के नर्सिंग होम कैसे चलेंगे? सुन, साथ में डायबिटीज भी है। वाह 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 वा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरा आपके फैमिली डॉक्टर का नंबर देंगे? क्यों? मैं जरा एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। काहे के लिए? इसलिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों डरा रहा है यार, सीधे बोलना क्या बोलना चाहता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो आदमी आपको 2.5 लाख की चपत लगा कर गया है ना, वो हरदेव सिंह हरियाणवी नहीं था, बल्कि एक चोर लुटेरा लफंगा था। वो आदमी तुम्हें चूना लगा कर गया है, और असली हरदेव सिंह मैं हूँ। अच्छा हाँ। असली हरदेव सिंह तू है? जी जी जी। बेटा मैं तेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी सुन चुका हूँ, और तेरे मालिक ने कहा अगर ये सीधे न माने तो कनपट्टी के नीचे एक देना। चल मेरे 2.5 लाख रुपए निकाल, नहीं तो ऐसा हाथ मारूंगा कि नाक के रास्ते वो 2.5 लाख रुपए चिल्लर की तरह बाहर गिर जाएंगे। तू इंस्पेक्टर को मारेगा? अबे तू मार निकालता गिरी। इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में, उसके घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो इंस्पेक्टर वाली भाषा बोल रहा है यार। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये देखो मेरा कार्ड। लगता नहीं है मगर। लगता नहीं? नहीं मतलब, माफ करना। अरे मारता है ऊपर से। मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहचान नहीं सका। वो आदमी मुझे लूट के चला गया, मेरे 2.5 लाख रुपए लेकर, मैं क्या करूं? मुस्कुराते हुए उसे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मुस्कुराहट किसको बोलते हैं? हाँ जो आप पहले मुस्कुरा रहे थे उसी को बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने नहीं, के लिए। नहीं, तुम्हारा FIR मेरे पास दर्ज हो चुका है। कहाँ दर्ज हुआ है? अरे मेरे पास दर्ज हुआ है। तुम्हारे पास क्यों? अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। क्या बात है, इतनी इतनी उदासी क्यों महफिल में? तो क्या भांगड़ा करेंगे बैठे आप भी? अरे ये तो लेडीज रुमाल है। लेडीज रुमाल, और वो भी भाई के हाथ में, हो ही नहीं सकता। अरे है ना, है तो फिर गिर गया होगा। कादर भाई जिसका है वापस दे दीजिए आप। ये गिरा नहीं, इसके हाथ में जबरदस्ती थमाया गया, हैंड टू हैंड। मगर क्यों? अरे बुद्धू, कोई लड़की अपना रुमाल किसी मर्द को क्यों देती है? नाक पोछने के लिए। अच्छा तो मेरे दिए हुए सारे रुमाल से तुमसे नाक पोछते हो? हाँ बताओ मुझे। अरे मेरी माँ, तुम्हारी लव स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस लव स्टोरी को जन्म लेने दो पहले। कादर भाई इस पर तो किसी का नंबर है। अरे स्टूपिड, ये तो उसी लड़की का नंबर है। अच्छा? हाँ देखो अभी तुम खुद ही कुछ सोच लो भाई के लिए। दादर भाई चलो फोन लगाते, प्रॉब्लम ही नहीं कुछ उस लड़की को। और क्या, और फोन लगाया क्या बोलेंगे आप? बताइए ना मैंने क्या बोला था। मैं क्यों बताऊँ, उससे पूछ। मैंने क्या बोला था?
तुमने टाइम पूछा था, याद भी नहीं? हाँ करेक्ट, टाइम पूछेंगे। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप उन्हें फोन कीजिए और मैंने क्या कहा था? तुमने मेरी कॉमिक मांगी थी। कॉमिक बुक मांग लीजिए। शाबाश, पहले कॉमिक बुक मांग लेना, फिर स्क्रू ड्राइवर मांगना, फिर दही का कटोरा मांगना, फिर लॉलीपॉप मांगना, इसी में 50 साल गुजर जाएंगे, ये लंबी लंबी जुल्फे निकल जाएंगे, अंदर से टकला निकल आएगा। अरे इनके चक्कर में मत पड़, खुद कुछ सोच। मैं ही कुछ करता हूँ, मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। कादिर भाई एक प्लेट फोन लाना। प्लेट फोन लाना, तड़का मार के दू? अरे फोन लाना है, फोन बोलना, ये ले, और सीधे हिमा से बोलना, बस हो गया अभी डायरेक्ट। हाँ शेर के जैसा। हेलो मैं बाबा बोल रहा हूँ, आई लव यू। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? कादिर भाई के रेस्टोरेंट। अरे ये होता है स्टाइल। ये होता है ना, चलो बैठो, निकलो बाहर, चलो कादिर भाई, चलो कुर्सी गरम मत करो, चलो। अरे जियो ये बात नहीं ना। तुम्हारा नाम ईशा है? आपको कैसे पता चला? आज पेपर में आया था कि जो लड़की इस दिशा में आएगी उस लड़की का नाम ईशा होगा। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार? यही है, आओ आओ। अरे अपनी होटल आओ ना। बैठ बैठ, ये वो चमत्कार है, ये निशा है। हेलो बोलो। हेलो। ये बाबा है। हेलो बोलो। हाय। हाय। ऐसा लगता मोहब्बत की क्लास चला रहा हूँ। कुछ खाएंगे? आप कुछ खाएंगे? जी नहीं। तो पूछो ना, कुछ खाएंगे? आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं। कुछ पिएंगे? आप कुछ पिएंगे? नहीं थैंक यू। तुम पूछो ना, कुछ पियोगे? आप कुछ पिएंगे? नहीं। अबे तुम्हारी साले खाते पीते कुछ नहीं, मेरा टाइम खराब करते, निकल बाहर, चल बाहर, चल बाहर जाके घूमो गार्डन में, चल हट। जी 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 जी, कमाल इंसान है यार, 20 आदमियों के दांत अकेले तोड़ सकता है, एक लड़की से बात नहीं कर सकता है। ये चकली कैसे थी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपन में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे, क्या जमाना आ गया यार। अच्छा एक काम करो, 2 चकली दो तू। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो। ये लीजिए। मीठा घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब पैसे। कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे। अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है तो केले की कीमत चकली, और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहाँ से आया? तुम सीधे दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला, केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ा। अरे भाई साहब क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं, अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके पास जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे नहीं, एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ, मेरा तो जी चाहता मैं खुदकुशी कर लो। इसमें परेशान होने की क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? नहीं तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती है। आप बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे 150 रुपया चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए,
200 रुपए। चाय आ गई है। बिना वक्त के चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा, जा अपना काम करना यार। कमाल का आदमी है, 200 रुपए का तेरे साथ मैं कैसे चुकाऊं? एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तो घर पे आना है? हाँ बाबा, मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा पर चला। बेवकूफ रहा है तूने मेरे मालिक भाई को। साला बेवकूफ तो तू मेरे को लगता है। कैसे? अबे अजय का माल मेरा माल, उसकी जेब मेरे हुए कि मेरी जेब मेरे हुए, तेरे बाप का क्या जाता है? अजय साला मेरा वो है, क्या बोलते उसको यार, फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मन तो क्या को मुंह में से टपका, जब ही पूछूंगा तभी बोलने का, अभी बोल। फैमिली मेंबर। तो समझ में आया, अजय मेरा वो है, अजय मेरा कौन है? फैमिली मेंबर। तेरा पूछा था मैंने। अरे शराब भी क्या चीज है, पियो तो भी चढ़ती है, नहीं पियो तो भी चढ़ती है। अरे मैं तू मेरे ऊपर कितना चढ़ रहा है, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? अरे खाली बोतल से जाके पूछ, मेरा नाम बताएगी। अरे तो तेरे दारू चढ़ने की तमाम खाली बोतलें आवाज दे रही, उधर जाना, इधर का को खड़ा है। ए बाटली लोग, ये इधर खड़ा है। आगे मैं आप लोगों को मेरा सलाम बोलना। आ जा, आ जा, मुझे संभाल के करना। आ जा, मैं जाना नहीं, तू हमारा आदमी है। लो देख कौन है। कौन है बे? अबे इधर नहीं यार, उधर देख कौन है। अबे तू बोल तो सही कौन है। अरे तेरे मालिक का पिया है यार। अबे मेरा पिए तो ये खड़ा है, सीधा खड़ा रहे बे। अरे नहीं परसा, तेरे सेठ का पिया है यार, वो देख ना। अरे आप सेठ? हाँ मालिक, आ जा। प्यारी ओए बे, आए चला। सेठ सलाम। मैंने सेठ? अरे नहीं यार परसा, तेरे को कितनी बार बोला, वो सेठ नहीं है, सेठ का पिए है। अबे खोचू, आज जमाना सीधा हो गया है, उल्टा हो गया है। अबे पहले उल्टा था, उल्टे को वापिस उल्टा किया तो सीधा। वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू सेठ का पैसा बोलो नी, साहब का 5 रुपया लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा कीमा कुरमा कलेजी पाया चाप चोगरो बिरयानी बुना कुछ मछकड़ी बदकड़ी मठवा वटो चा चापण चिकरो उसलपा मिसलपा भजापा बनरो इडली वाला सांभर दही वड़ा भेलपुरी पानी पूरी गुर्दा। बस बस, क्या भिखारियों की होटल है। एक आम दो दो प्लेट सब लेकर आ, और 4 मुर्गी ला, और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या लगता है? क्या भाई साहब, कुछ गुम गया है क्या? जी वो बटाटे वाला उधर गिरा है शायद, वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट तो है, कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या है? खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार बचपने की डकार आज निकली है, जिंदगी में पहली मर्द तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। है? अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर, रिपोर्ट। समझा। अरे चंदू सेठ का पैसा बोलो नी, 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो ले लो।
अरे किधर से ले लो, कैसे ले लो यार, अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहनाचरिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी, अरे तेरी वैसी की वैसी, तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280 है, तू 3280 आगे कितना होता है आगे मेरे मालूम है, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है हवलदार साहब? ये सेठ बेईमान है, मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा, हम नहीं बिस्कुट है, अंधा अंधा। अरे ये मंदा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है, अरे खाना भी खाया उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजाम मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था याद है ना, 30 रुपया खाने का, 70 रुपया वापिस लेने का है, याद है ना मैंने पैसा दिया था, याद है ना हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिकर काहे को करता है सेठ यार, देखिए पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है, मैं हूँ हवलदार है, पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार जरा पैसा देने बोलना। ए सेठ इसका पैसा दो यार, पैसा दो। अरे तुम तो ना यार, मैं पैमान है, रिक्शा पकड़ना। तो माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा। अबे छोड़, अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया हूं तुमसे। अरे सेठ क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई कर दो, कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 2500 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है, सलाम दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है, ये लो। मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाबला कर। चल हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो। क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा, सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के छोले देखा है? रामगढ़ के छोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट था। अपना डुप्लीकेट था? नहीं बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देने यार। बिस्कुट दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक सड़ा हुआ है। अच्छा तो दो देना।